नमस्कार दोस्तों, कुंडली भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलेगा दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से आखिरकार आमना सामना होने जा रहा है इस समय किसी और से नहीं प्रीता का बल्कि करण से। जी हाँ, क्योंकि करण से आमना सामना होने के बाद में कहानी में बहुत बड़ा बिल्ड देखने को मिलने वाला है। वहीं दोस्तों करण और प्रीता के बेटे यानी इस समय बात की जाए राजवीर की, तो राजवीर जल्दी ही शादी की घोषणा करने वाला है और शादी की घोषणा भी किसी और से नहीं बल्कि पलकी से, क्योंकि दोस्तों पलकी भी मोहब्बत करती है राजवीर से और राजवीर भी पूरी मोहब्बत करता है। लेकिन दोस्तों फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक दूसरे को बताने में पूरी तरीका से कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि दोस्तों वहीं एक दूसरे के लिए प्यार का इजहार तो है इन दोनों के मन में। साथ ही दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इधर बात की जाए तो निधि अपना पूरा गेम खेलती हुई नज़र आ रही हैं। निधि का मानना यह है कि इस घर में जो हो रहा है कहीं ना कहीं ये और भी होता रहना चाहिए, क्योंकि निधि का पूर्ण रूप से फोकस है कि इस घर में कभी भी कुछ चीज़ सुख और शांति से नहीं होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों वहीं इस समय की कहानी एक नया ट्विस्ट लेकर आती हुई नज़र आ रही है, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से लगातार सभी घर वाले कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन की स्थिति में बने हुए हैं कि आखिरकार असली माजरा क्या हो सकता है। क्योंकि दोस्तों निधि को एक्सपोज करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और जिस दिन निधि का एक्सपोजर हो जाएगा उस दिन पूरी तरीके से मामला कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि जहाँ पर लूथरा परिवार इतनी इस समय टेंशन से जूझ रहा है और उस टेंशन से जूझने का रीज़न कुछ और नहीं है बल्कि इस समय इस घर में सबसे बड़ी पनौती यानी निधि ही है, जो इस घर को कभी भी सुखी नहीं देखना चाहती। इस घर में हमेशा विद्रोह का माहौल अपने आप से वो क्रिएट करती हुई नज़र आती हैं दोस्तों। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताएगा। थैंक यू सो मच सपोर्ट के लिए।